आगे चलते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस मेज़र करना है तो रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए आपको सबसे पहले इसे रेजिस्टेंस वाले ब्लॉक में सेट कर देना होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आप चुन लीजिए या फिर मिनिमम भी चुन सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, भी कर सकते हैं। तो ये एक मेरा एक रेजिस्टेंस है जो कि मैंने एक सर्किट से निकाला है, आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, देख सकते हैं जैसा। तो इसके दो एंड से आपको क्या करना है, इन दोनों को कनेक्ट कर लेना है और इसके दोनों एंड्स पे आपको इसे डाल देना है, ठीक है। तो मैंने इसे सटा के यहाँ पर रखा हुआ है, उंगलियों से सटा के रखा हुआ। अगर यहाँ पर 1 शो होता है तो इसका मतलब है इसका जो रेजिस्टेंस है, जो मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ, वो इससे 200 ओम से ज़्यादा है। तो मैं इसे बढ़ाता हूँ, जैसे मैंने बढ़ा दिया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक रीडिंग आ रही है, ठीक है, जो कि मुझे बता रही है 890, यही इसका ओम है, मतलब यही इसका रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस का सटा के मैंने रखा हुआ था। और आपको अगर और प्रिसाइज वैल्यू चाहिए, मतलब और थोड़ा बढ़ाना है, तो आप इसे यहाँ सेट कर सकते हैं। तो ये आपको बता देगा कितने ओम का है, ठीक। तो ये एक तरह से ये जो नंबर सब लिखे हुए हैं सारे में एक तरह से रेंज को बताते हैं। तो ये मेरा 8 लगभग ये 900 ओम्स है, ठीक है, लगभग 900 ओम्स है। तो 899 दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ऐसे जो रेजिस्टेंस होते हैं आपका उसमें कोई टर्मिनल लगा हुआ नहीं होता, तो आप अपनी मर्जी से किसी भी तरफ किसी भी वायर को सेट कर सकते हैं, दोनों में एक ही तरह का रेजिस्टेंस बताएगा। ठीक, तो मैंने आपको रेजिस्टेंस मेजर करना सिखा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कंटिन्यूटी है उसे मेज़र कैसे करते हैं। कंटिन्यूटी का साइन ये वाला है, आप यहाँ देख सकते हैं कंटिन्यूटी का साइन ये वाला है। तो सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी में सेट कर देना है। तो मैंने आपको जैसे बताया ना कि जो कंटिन्यूटी होती है वो चेक करने का वो बताती है कि सर्किट कंटिन्यूस है कि नहीं। मतलब जैसे मान लीजिए मैं अगर ये सर्किट आपको चेक करके बताता हूँ, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट ग्रीन वाले बहुत सारे मार्कर्स है, ठीक है। तो ये एक तरह के सर्किट बोर्ड ही है ये। तो मैं पता करना चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए कहीं से कहीं भी वो सर्किट कंटिन्यूस है कि नहीं। तो मैं इन दोनों वायर को कुछ करूँगा नहीं, बस इन दोनों वायर को लूँगा और जहाँ से जहाँ तक मुझे पता करना है उसे मैं सटा दूँगा। जैसे ही अगर सर्किट कंटिन्यूस हुआ, मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक चेक कर रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक चेक कर रहा हूँ, एक वायर मैंने यहाँ पर सटाया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक चेक कर रहा हूँ। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है, वैसे तो देख के ही पता चला है कि कंटिन्यूस है, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए ये कंटिन्यूस नहीं होता, मान लीजिए ये कंटिन्यूस नहीं होता, ठीक है, तो ये इसमें कोई वैल्यू नहीं आती या फिर कोई वैल्यू आती लेकिन बीप का साउंड नहीं आता। लेकिन अगर ये कंटिन्यूस होता तो जैसे मैं यहाँ सटाऊंगा और यहाँ पर अच्छे से सटाऊंगा, तो आपको एक बीप की साउंड सुनाई दे रही होगी जो कि बता रहा है कि सर्किट कंटिन्यूस है। जैसा कि देख सकते हैं मैंने कि वायर सटाया हुआ है, ठीक। तो ये वैल्यू जितनी कम होगी वो सर्किट उतनी ही कंटिन्यूस, मतलब रेजिस्टेंस फ्री होगी। आप देख आप सुन सकते हैं, किस तरह से ये साउंड आती है, आपको आवाज आ रही होगी, ठीक है। आजकल के जो नए मल्टीमीटर्स हैं उनमें आपको इतना झंझट नहीं होता, उनमें वोल्टेज के लिए बस एक ही बटन होता है, एसी वोल्टेज के लिए अलग बटन होता है और
एम्पेयर मेजर करने के लिए एक सिंगल बटन होता है, उसमें इतनी सारी रेंजेस और वैल्यूज नहीं लिखी होती है, और कंटिन्यूटी के लिए अलग होता है और रेजिस्टेंस के लिए भी अलग होता है। लेकिन क्या होता है, वो सब जो मल्टीमीटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, जिन्हें छोटे इलेक्ट्रिशियन खरीदना पसंद नहीं करते, क्योंकि जितनी कमाई नहीं होती है उतने तुम मल्टीमीटर में लगा दोगे तो कैसे चलेगा।